हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेटफैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज की वीडियो हम लेकर आए हैं, आज जो न्यूज़पेपर में जो खबरें प्रकाशित हुई हैं उनको यहां पे हम बताने जा रहे हैं। उसके साथ कहना चाहते हैं कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करना होगा, ऑल पे क्लिक करना होगा ताकि सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आप यहां देख रहे हैं कि आज के जो न्यूज़पेपर की जो खबर छपी है पटना संस्करण में, वहां लिख रहा है कि 4800 नियोजन इकाइयों में हुई थी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और 400 नियोजन इकाइयों की मेधा सूची भी रद्द कर दी गई जो कि दोबारा बनेगी। जी हां, अभी तक तो आपको खबर थी कि 400 नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग रद्द की गई है, लेकिन वहां की जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनी थी उसको भी जो रद्द कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं पूरा जो है खबर क्या है। शिक्षा मंत्री के निर्देश पर बुधवार पर रद्द की गई थी काउंसलिंग और प्रभावित योग्य अभ्यर्थियों को दोबारा मिलेगा मौका, यानी कि आपकी जो है दोबारा काउंसलिंग होगी। जो लोग वहाँ पे काउंसलिंग कराने गए थे तो वहाँ पे जो है दोबारा से काउंसलिंग कराई जाएगी, लेकिन मेरिट बनने के बाद। आइए पूरी खबर पढ़ लेते हैं। राज्य के जिन 400 नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग के दौरान गड़बड़ियां पकड़ी गई थी वहां की मेधा सूची को भी रद्द कर दिया है। अब दूसरे चरण में होने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के साथ संबंधित 400 नियोजन इकाइयों के अभ्यर्थियों की भी मेधा सूची नए सिरे से तैयार कर काउंसलिंग कराई जाएगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के निर्देश पर बुधवार को 400 नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग को रद्द कर दिया गया था। अर्हता को किया गया नज़रअंदाज। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि जिन 400 नियोजन इकाइयों की मेधा सूची रद्द की गई है उनमें कई तरह की शिकायतें सामने आई हैं। अर्हता को नज़रअंदाज कर नियोजन इकाइयों ने मेरिट लिस्ट तैयार किया गया। इसकी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों के स्तर से जाँच कराई जा रही है। इसमें जो भी लोग दोषी पकड़े जाएंगे उन पर प्राथमिकी दर्ज करके आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। जहाँ तक प्रभावित शिक्षक अभ्यर्थियों की बात है तो उनके साथ किसी प्रकार की नाइंसाफी नहीं होगी और नए सिरे से मेधा सूची तैयार कर दूसरे चरण में होने वाली काउंसलिंग में मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों की जो है काउंसलिंग होगी। दूसरे चरण की काउंसलिंग के साथ मेधा सूची नए सिरे से तैयार करके काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो आप लोग जो है तैयार हो जाइए, फिर से आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनेगी जो लोग यहाँ पे भाग लिए थे और दोबारा से जो है काउंसलिंग कराई जाएगी। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।